नमस्ते किचन मम्मी दा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ना टिक्किया बनाएंगे कटलेट्स, वो भी बिना उसका पालक का, वो भी और ना ही ब्रेड क्रम्स का। आप देख सोचेंगे कैसे, तो आइए हम बनाते हैं। ये मेरे पास ना बॉयल पीस बटाना था, हरा बटाना, ये 1.5 किलो तक है। इसके दाने 1.5 किलो तक बटाने को मैंने छील के दाने लिए हैं और इसे बॉयल किया, तो इसे ना थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसमें ना एक बिग मतलब कि आलू है बॉयल किया हुआ, उसे भी मिक्स करके अच्छे से ले लेंगे। देखिए मैं किससे मिक्स कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं पर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए पूरा मिक्स करके हो गया, आपको मैं दिखाती हूँ। और अब मेरे पास जो इसमें लगे थे ना उसको मैं साफ करके, एंड देन अब ना इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि ये देखिए आपको दिखाती हूँ, हरे मसाले मोस्टली मेरे रहेंगे। देखिए अदरक मिर्ची और धनिया दिख रहा है आपको, इसी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके हल्का दरदरा टाइप का लिया है। और फिर इसमें 1 टेबल स्पून के अराउंड ड्राई मैंगो अमचूर का पाउडर डाल के, हल्दी एज इट इज़, एंड ये हल्दी के साथ साथ एज इट इज़ वो अपना हींग, वो तो नॉर्मल ही है, ये डालेंगे। साथ में ना थोड़ा सा मैंने ना गर्म मसाला का बनाया, जैसे कि काली मिर्च, लवंग और छोटी इलायची ग्रीन, उसका पाउडर करके डाला है, और एक नमक स्वाद एज योर टेस्ट। और इसे सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरा अच्छे से मिक्स करके हम इसे पूरा प्रॉपर मसाले जैसे, और सॉरी मैंने ना यहाँ पे एक मसाला भुना जीरा, उससे ना फ्लेवर आता है, तो यहाँ पे मैंने ना रोस्टेड जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून के अराउंड वो डाल के ली हूँ। देखिए बस अब इसमें ना अच्छे से हम सारे मसाले को मिक्स करके ले लेंगे। देखिए सब प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए हम ना अपने हाथों में हथेलियों पे ऑयल ग्रीस करके थोड़ा सा, और इसके छोटे 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 जैसे टिकिया कटलेट्स के बॉल होते हैं वैसे हम छोटे छोटे बना के लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं बना रही हूँ, प्रॉपर ऐसे ही। देखिए प्रॉपर ऐसे बना बना के सारे कटलेट्स को ले लेने हैं। ठंडी के मौसम में अगर इसका कटलेट्स ना खाए तो किसका खाए, पालक नॉर्मल है, इसका बहुत ही अच्छा चटपटा भी लगेगा। ये देखिए यूनिक सा है ना, ग्रीन ग्रीन भी और कटलेट्स भी बटाने, तो चलिए हम इसे ना थोड़ा सा तवे पे सेक के लेंगे। तो मैंने बीच में ऑयल डाल के इसको ग्रीस फैला लिया पूरे तवे पे, अब इस पे टिक्की हम डाल के लेंगे। ये देखिए मैंने डाला है, और इसे ना गोल्डन होने तक, एकदम ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है, ये देखिए हल्का सा कुक्ड ब्राउन होना चाहिए, ये सब हो गया। तो इसे ना हल्का कुक हो गया दोनों साइड, तो इसे ना हम साइड के साइड रख देंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ अच्छे से गोल्डन होने तक, ये देखिए दिखा आपको कितना अच्छा सा गोल्डन हो गया। ये देखिए दोनों साइड हो गया, अब इसे ना हम साइड में रख दें, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब बीच में और पकाएंगे और ये साइड में ना हीट से और गोल्डन क्रंची होगा, इसलिए हमने इसे साइड में रख देंगे। आपको मैं दिखाऊंगी पहले कैसे था और अभी कैसे कलर हुए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फिर से इसे भी ऐसे ही हमें सेक के लेने हैं। ये देखिए देखिए अब साइड में इसका कलर कैसा था और अब देखिए कलर कैसे है, हमने जब साइड में शिफ्ट किया तो कितना लाइट था और अभी देखिए कितना क्रंची हो गया। इसे हम थोड़ा सा ब्राउन हो उसके बाद साइड में शिफ्ट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप क्रंची होता जाएगा नीचे से हीट लगने की वजह से। देख रहे हो कितना क्रंची हो गया सारे कुछ। अब मैं आपको ना सारे पीस दिखा रही हूँ, देखिए आप ध्यान से सारा एकदम क्रंची दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन पूरा। तो ऐसे ही हमें सेक के सब लेना, तो देखिए हमारा टिक्किया कितना क्रंची हो गया है, दिख रहे आपको, खाने में भी उतना ही अच्छा यम्मी लगेगा आपको। ये देखिए तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।